हेलो फ्रेंड्स, सर ने वीडियो डाली थी आईपीसी की। आईपीसी के सारे के सारे जो जितनी भी एक्ट थे, आईपीसी जितनी भी धाराएं थी, सारी की सारी सर ने करवाई थी। 3 वीडियो के अंदर आईपीसी को कंप्लीट कर दिया था सर ने। ठीक है, आज मैं आपको क्या करवाऊंगी, हरियाणा जी के जो लास्ट ईयर जो 2018 में जो पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर का, मेल और फीमेल का, उसमें जितने भी हरियाणा जी के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो उनको अच्छे से कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी इसको आपको। कल वाले पेपर के अंदर 26 तारीख को सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में मेल का है और इवनिंग में फीमेल का है, तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे हरियाणा जीके के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दे रखा था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था कि हरियाणा ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, हरियाणा ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो हरियाणा ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, हमारा 50वां मनाया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 50वां। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर हरियाणा मेल के पेपर, फीमेल के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, कि हरियाणा ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 50वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या आया हुआ था कि विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। तो पहले भारतीय जो पहलवान है ना, जिसने 2 पदक जीते हैं विश्व कुश्ती में, तो वो कौन है, बजरंग पुनिया। ठीक है, कौन हो जाएगा, बजरंग पुनिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चली थी ना, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस किस के बीच में चली थी जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन थी, किस किस के बीच में चली थी, जो हमारी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चली थी। ठीक है, किस किस के बीच में चली थी, अहमदाबाद और मुंबई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या हुआ था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। तो पूर्वी ये बताना है, कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन सी जो हमारी नदी है वो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, पूर्वी सीमा बतानी है कि पूर्वी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी, यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी हमारी ऐसी नदी है जो क्या करती है, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए उसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हरियाणा जीके का क्या आया हुआ था, ये देखो 5th क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कम जंगल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा जिला है, गुरुग्राम जिला है। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या हुआ था, ये सारे के सारे बताने थे। देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, क्या कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, उसके बाद राजा रमणा उन्नत तकनीक केंद्र ये कहाँ पे है, इंदौर के अंदर है। उसके बाद थर्ड क्या है, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्था, यानी कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्था है वो कहाँ है, करनाल के अंदर है, करनाल जिले में है। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या बन रहा है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन बढ़ गए यहाँ से। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा था, विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 का बना भाप इंजन कौन सा है। देखो विश्व का सबसे पुराना बताना है, जो 1855 के अंदर बना था भाप इंजन, ठीक है, वो कौन सा है, फेरिकविन है, इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे फेरिकविन। तो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, जो 1855 में बना था, फेरिकविन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या आया था, जे जाक डैश बुक्ति का पूरा नाम था,
तो जो जेजाक भुक्ति था वो किसका पुराना नाम था, तो किसका पुराना नाम था, बुदेलखंड का था, ठीक है। तो जेजाक भुक्ति है ना वो बुदेलखंड का पुराना नाम था। ये हमारे हरियाणा जीके क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखो क्या हुआ था। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड वर्ष डैश में बनाया गया, तो राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड था वो कब मनाया गया था, 1973 के अंदर मनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कहाँ किया, असम के अंदर किया, किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इनका नामकरण किसके नाम पर रखा गया ये बताना, तो किसके नाम पर रखा गया, भूपेन हजारिका, किसके नाम पर रखा गया, करंट का क्वेश्चन है, किसके नाम पर रखा गया, भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया। 11th क्वेश्चन देखो क्या रखा था, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया था, महेंद्रगढ़ के अंदर प्रसिद्ध किला था उसका नाम 1861 में बना था वो किसके नाम पर रखा गया था, तो महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12th देखो क्या था, दहेज हत्या से कौन सी धारा संबंधित है, तो दहेज हत्या में कौन सी धारा लगती है, IPC 304B, कौन सी धारा लगती है, IPC 304B धारा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये ना सिंधु घाटी के ऊपर जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो बात बोली थी, उसके लेखकों ने जो बात बोली थी ना, उनके दृष्टिकोण से ये बतानी कि कौन किसने कौन सी बात सही नहीं बोली थी, ठीक है। तो जैसे पहले इसने क्या बोला है कि गार्डन चाइल्ड था ना, उसने क्या बोला था कि सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे, ये बात सत्य है या नहीं है, इसमें से गलत बताना कि असत्य बात कौन सी है, ठीक है। आरडी बनर्जी ने क्या बोला था कि सिंधु घाटी के लोग क्या थे, द्रविड़ प्रजाति के थे। डॉक्टर गुहा ने क्या बोला था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कैसी प्रजाति के थे, मिश्रित प्रजाति के थे। और जॉन मार्शल ने क्या बोला था कि मैंगोल जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कैसी प्रजाति के थे, मैंगोलियन प्रजाति के थे, ठीक है। तो ये बात भी सही है, जॉन मार्शल ने कहा था कि मैंगोलियन प्रजाति के थे, डॉक्टर गुहा ने कहा था कि मिश्रित प्रजाति के थे सिंधु घाटी के लोग, और आरडी बनर्जी ने भी बोला था कि जो सिंधु घाटी के लोग हो कैसे द्रविड़ जाति के हैं, ठीक है। लेकिन जो ये बात गलत है, जो गार्डन चाइल्ड ना उसने ये नहीं बोला था कि सिंधु घाटी के लोग हैं सुमेरियन प्रजाति के थे, ये बात हमारी क्या है, सत्य है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये फोर्ड टैक्सी को भारत में प्रस्तावित किया गया, ठीक है, वह क्या है ये बताना है। जो फोर्ड टैक्सी को भारत में प्रस्तावित किया गया है वो क्या है ये बताना है। तो क्या है वो, पर्सनल रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम है, ठीक है। क्या पर्सनल रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम, तो इंग्लिश में अगर इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो क्या आ जाएगा, PRT, PRT की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, पर्सनल रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, फोर्ड टैक्सी है जिसको भारत में प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो, राज्य परमार्क्सवादी दृष्टिकोण की एक विशेषता नहीं है ये बतानी है। राज्य परमार्क्सवादी मार्क्सवादी जो हमारे पास दृष्टिकोण है उसकी विशेषता नहीं ये बतानी है। राज्य शोषण का एक उपकरण है यह बात सही भी है। राज्य अस्थाई है यह भी सही है। वर्ग कभी अनुमूलित नहीं होते तो यह बात भी सही है। राज्य सार्वभौमिक है ये बात हमारी क्या है, गलत है, ठीक है। तो राज्य सार्वभौमिक नहीं है हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ था हरियाणा जीके का, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या था कि राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और क्या राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियां प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की हैं, तो किसकी है ये, कौन से कवि के हैं ये, अयोध्या प्रसाद गोयलिया, तो किसकी है रचनाएं, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, डैश गोबर और मिट्टी से बनी कला है, तो गोबर और मिट्टी से पहले बनाई जाती थी उसको क्या बोलते थे, सांझी बोलते थे, ठीक है। एक तो गीत गाने वाली सांझी होती है जो शादी वगैरह में गाई जा रहा है, एक सांझी होती थी जो गोबर और मिट्टी की बनती थी, तो वो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है, तो 2018 के अकॉर्डिंग तो कौन है, गुरविंदर सिंह है, लेकिन वर्तमान में 2021 के अकॉर्डिंग कौन है, सुनील वशिष्ठ है। अब कौन है सुनील वशिष्ठ, ये क्वेश्चन 2018 में आया था, तो उसके अकॉर्डिंग कौन था, गुरविंदर सिंह था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यमुना नदी की दो सहायक नदियों से में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा, तो ऐसा एक बांध बनाया है, तो कौन सा बांध है जो है? इसके ऊपर है ना मनोहर लाल खट्टर ने, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, मुख्यमंत्री ने करार हस्ताक्षर किए हैं इसके ऊपर कि जो यमुना नदी की दो सहायक नदियों से मिलकर जो बांध बनाएगा वो कौन सा है, किसाऊ और रेणुका बांध है, ठीक है, किसाऊ और रेणुका बांध है। 2018 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किसाऊ और रेणुका बांध के लिए करार हस्ताक्षर को अनुमोदित किया गया है, ठीक है, जिसमें इस बांध के जल का उपयोग यमुना नदी के भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, यानी कि यमुना नदी की
पानी की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस बांध का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, किसाऊ और रेणुका बांध का। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो कौन सा है, बिहार और दिल्ली है, ठीक है, क्या आ जाएगा, बिहार और दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, मैं आपको हरियाणा जीके के भी करवा रही हूँ, करंट के भी करवा रही हूँ, ठीक है, नेशनल जीके के भी करवा रही हूँ। तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, बता ली कपूर शील द्वार चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, तो ली कपूर शील ने चंडीगढ़ में कौन सी संरचना बनाई थी, खुला हस्त स्मारक, ठीक है, कौन सी बनाई थी, खुला हस्त स्मारक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि खुला हस्त स्मारक कहाँ पे है, तो कहाँ पे, चंडीगढ़ के अंदर किसने बनवाया था, ली कपूर शील ने बनाया था, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय डैश में स्थित था, तो स्वतंत्रता होने से पहले, इनके आजाद होने से पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय किसके कहाँ था, तो लाहौर के अंदर स्थित था, ठीक है, लाहौर में था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, तो लोकसभा का जो पहला स्पीकर था वो कौन था, गणेश वासुदेव मावलकर, ठीक है, कौन था, गणेश वासुदेव मावलकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखो, भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितनी विधानसभा है, तो भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितनी विधानसभा है, 90 विधानसभा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और ये जो राष्ट्रगान है इसका नाम क्या है, अमार सोनार बंगला, ठीक है, क्या नाम है, अमार सोमार बंगला। ये हमारे क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हुआ था क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दर क्या था, ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या सात नदियों में नहीं आती, तो ये बताना, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, पता होगा, ठीक है, तो ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या सात नदियों में कौन सी नदी नहीं आती, तो मारकंडा नदी नहीं आती, ठीक है, मारकंडा आ जाएगा। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य पूर्वक डैश का प्रजनन केंद्र है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरनी पंचकुला में जो प्रजनन केंद्र है ना, वो किसका प्रजनन केंद्र है, भारतीय गिद्ध का प्रजनन केंद्र है, ठीक है, तो गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, मोरनी पंचकुला में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली डैश से ली गई है, तो शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय जो प्रणाली है कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, भारत में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2018 जीता था, ठीक है, भारत ने कौन सा जीता था, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता था। अंतिम मैच बताना है कि भारत और किसके बीच में हुआ था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था ये मैच, किसके बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें भारत विजय हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दे रखा है, यह टका से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लीरा इटली से, तो लीरा इटली की हमारे पास क्या है, मुद्रा है, तो उसी प्रकार टका है वो किसकी मुद्रा हो जाएगी, बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी, ठीक है, जो टका है वो किसकी मुद्रा हो जाएगी, बांग्लादेश की, और जो लीरा है वो किसकी मुद्रा है, इटली की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 31 भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताना है, ठीक है, भगवान हनुमान का जो जन्म स्थान है वो कैथल है, ठीक है, कैथल को हनुमान नगरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी, तो भारतीय दंड संहिता है जो वो कब लागू हुई थी, 6 अक्टूबर 1860 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या देखा है, प्रीपको हड़पाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के आदर तल के साथ साथ पाए जाते थे, तो किसके साथ साथ पाए जाते थे, गग्गर हकरा नदी के साथ साथ पाए जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हरियाणवी में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है कौन सी है, बांगरू, ठीक है, जिन नरवाना की साइड बोली जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, भारत में उच्चतम मैग्नाइट अयस्क में उपलब्ध है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो उच्चतम जो मैग्नाइट अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक के अंदर पाया जाता है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नाइट अयस्क पाया जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या आया था, हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान किसको दिया गया है, तो हरियाणवी संगीत के जो रागिनी और सांग के सूर्य कवि है उसको कौन है, लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था, तो तोमर का एक तो अंतिम राजा बताना है कौन था, ठीक है, जिसने क्या किया था, दिल्ली का सिंहासन अपना उसका दामाद था पृथ्वीराज चौहान उसको दे दिया था, तो कौन था, अनंगपाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, भारतीय संविधान का जो एक्ट कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, तो सभी लोगों को समान अवसर कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 16।
क्वेश्चन नंबर 39 देखो, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 का द्वितीय विजेता बताना कौन है। तो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 का द्वितीय विजेता था वो कौन था, क्रोएशिया था। कौन था, क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या दर्क है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, पिलिया डैस के अवसर पर गाया जाता है। तो पिलिया है ना वो जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य गाया जाता है, किया जाता है, खोड़ा नृत्य, ठीक है। खोड़ा नृत्य किसके उस पर किया जाता है, मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। और पीलिया किस पे अवसर पर किया जाता है, जन्म के अवसर पर गाया जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कहाँ, थानेसर में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। तो ये हमारी करंट अफेयर और जीके थी जो 2018 का जो फीमेल का पेपर हुआ था उसके अंदर आई हुई थी, ठीक है। तो रिविजन सा हो गया आपका, एक ही कर लेना इसको अच्छे से, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है उसके लिए समझाऊंगी, बाकी बोल के भी बताया मैंने तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आईपीसी जरूर देख के जाएं, जरूर आएगी पेपर में आईपीसी, सबने वीडियो डाल रखी है उनकी, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।